गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस किया था डिफरेंट टाइप के एक्वस सॉल्ट का, ठीक है। और हमने स्पेशल केस भी स्टार्ट कर दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था डाइल्यूट NaCl का एनोड और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, और हमने NaCl लिया था कंसेंट्रेटेड NaCl यूजिंग मर्क्यूरी एज कैथोड, ठीक है। तो अगर लास्ट क्लास के उनको हम लोग देखें, एक्वस सॉल्ट वाला तो क्लियर है सबको, चापा और वो जो कोड बताया CBI का उस हिसाब से। आपको अगर हम लोग लास्ट क्लास में देखे तो हमने स्पेशल केस स्टार्ट कर लिया था, स्पेशल केसेस, और उसमें हम लोगों ने सबसे पहला स्पेशल केस लिया था कौन सा बेटा, डाइल्यूट NaCl। अगर जब तक कंसंट्रेशन मेंशन नहीं होता तब तक कंसंट्रेट होता है, पर वो क्वेश्चन में खुद दे देगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl। तो डाइल्यूट NaCl के ऊपर आपको बताना था एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट, है ना। तो हम लोग चूंकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें बस केवल क्या एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट को ही बताना होता है। तो एनोड की बात करूं तो बेटा एनोड पे क्या जाते हैं, एनायंस जाते हैं। तो एनायंस का मतलब Cl- जाएगा NaCl का, और वाटर का क्या OH-। कैथोड की बात करो तो क्या जाएंगे, कैटायंस। कैटायन का मतलब NaCl का Na+ जाएगा और वाटर से आपका H+। तो कैथोड की अगर बात करूं मैं तो Na+ और H+ में से किसका रिडक्शन होगा, चापा कैटेगरी के अलावा कोई होगा तो किसका होता है हमेशा H+ का। तो चूंकि ये चापा कैटेगरी में नहीं है तो आपका H+ का यहां पे करवा दोगे, लास्ट क्लास में हमने किया था ना। तो ये आपका 2H+ plus 2 electrons gives H2 gas, ये दे देगा आपका, ठीक है। और एनोड की बात करो तो मैंने बताया था आपको ध्यान रखना है अगर CBI कैटेगरी का होता है तो उसका होता है, लेकिन चूंकि यहां पे डाइल्यूट NaCl है, डाइल्यूट होने की वजह से यहां पे Na plus Cl minus का ना होके किसका होता है बेटा OH minus का हो जाता है, जो मैंने कहा आपको ध्यान ही रखना है। यहां पे भी आपका किसका हुआ था, H+ का हुआ था, ठीक है, Na+ का ना होके। तो यहां पे आपका 2 OH minus will gives half O2 plus H2 वो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपका एनोड का प्रोडक्ट पूछेगा तो आपके लिए ऑक्सीजन गैस होता है, और कैथोड का प्रोडक्ट पूछेगा तो आपके लिए हाइड्रोजन गैस होता है। ये आपको ध्यान रखना है अगर आपने डाइल्यूट NaCl लिया है तो। कंसंट्रेटेड ले लेते तब किसका होता, Cl- का होता, क्योंकि डाइल्यूट है तो Cl- की कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत कम होगा। तो इसीलिए किसको हम लोग दिए थे, OH- को, और इसे मैंने बताया था इट इज सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इट इज सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये सिंपली वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सेकंड हमने लिया था बेटा, दूसरा हमने जो किया था उसमें हम लोगों ने कंसंट्रेटेड NaCl यूजिंग HgHc कैथोड, मर्क्यूरी को कैथोड की तरह लिया था हमने। तो इसमें हमसे पूछा था कि क्या होगा, तो आप देखो बेटा जब Hg को आपने कैथोड बना दिया है तो उस समय मैंने बताया था आपको किसको प्रेफरेंस देना होगा, मेटल को देना पड़ेगा। तो आप अगर बात करो यहां पे एनोड और कैथोड की, तो एनोड पे कौन जाएंगे, एनायंस जाएंगे, कौन कौन से एनायन, Cl- और OH-। कैथोड की बात करो तो कैथोड पे क्या जाएंगे, कैटायंस जाएंगे, कौन कौन से कैटायन, Na+ और H+, Na+ और H+ ये जाएंगे कैटायन। अब इन दोनों में से आप किसको प्रेफरेंस दोगे, तो एनोड की बात करो तो एनोड पे CBI कैटेगरी का एनायन है तो उसी को देना है, मतलब किसको दोगे Cl- को। तो क्या रिएक्शन हो जाएगी आपकी, 2 Cl- will gives 2 Cl- will give Cl2 gas plus 2 electron, इस तरीके से आपका। तो एनोड प्रोडक्ट Cl2 gas होता है CBI कैटेगरी से, क्योंकि अब यहां पे कैथोड पे हमें चापा कैटेगरी का नहीं है तो H+ को देना चाहिए, लेकिन मैंने बताया Hg मर्क्यूरी क्या है, ड्राइविंग फोर्स है, जिसकी वजह से किसको प्रेफरेंस मिल जाएगा, सोडियम आयन को मिल जाएगा, क्योंकि मेटल्स आर हाईली सॉल्युबल इन मर्क्यूरी, है ना। तो इस वजह से आपको यहां पे मैंने बताया था याद रखने वाला केस है 2 Na+ plus 2 इलेक्ट्रॉन will give 2Na solid। तो यहां पे सोडियम आ जाएगा, और रीजन क्या है, क्योंकि ये सोडियम या आपका सोडियम कंबाइंड हो जाता है किसके साथ, Hg के साथ, और आपका क्या बना लेता है NaHg सोडियम एमलगम, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर कैथोड आपका कभी मर्क्यूरी का यूज कर देता है तो उस केस में चापा कैटेगरी का ही मेटल नहीं, किसी भी कैटेगरी का कैटायन हो उसका हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, मतलब उसी का रिडक्शन होगा हमेशा। तो इस चीज को हम लोग नोट के फॉर्म में ध्यान रख सकते हैं कि इफ इफ Hg यूज्ड एज ए कैथोड, एज ए कैथोड, देन देन मेटल विल
गेट रिड्यूस, मेटल कैटायन बोल सकते हैं, मेटल कैटायन, जो मेटल का आपका कैटायन बना होगा, मेटल कैटायन विल गेट रिड्यूस्ड एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे किसका रिडक्शन हो जाएगा, मेटल कैटायन का। रीजन क्या है, बिकॉज मेटल कैटायन है हाइयर डिस्चार्ज पोटेंशियल कंपेयर टू एच प्लस ओवर द सर्फेस ऑफ मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी के अंदर मेटल को डिजॉल्व होने की टेंडेंसी ज्यादा है रेदर की एक गैस हाइड्रोजन गैस की, इसलिए मेटल का हो जाता है। तो इफ एच जी यूज एज कैथोड देन मेटल कैटायन विल गेट रिड्यूस एट कैथोड बिकॉज 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 मेटल हैज बिकॉज मेटल हैज हायर डिस्चार्ज पोटेंशियल बिकॉज मेटल हैज हायर डिस्चार्ज पोटेंशियल ओवर द सर्फेस ऑफ ओवर द सर्फेस ऑफ एच जी एज कंपेयर टू एज कंपेयर्ड टू एच टू गैस। सही, तो ध्यान रखना इस चीज को दिमाग में अपने पास कि आपको कभी अगर मर्क्यूरी का मेटल का कैथोड बना देगा बेटा तो आपको चापा कैटेगरी के अलावा किस कोई भी मेटल हो, चापा हो या चापा कैटेगरी का ना हो, उसी मेटल को आपको रिड्यूस करवाना है किसके कैथोड के ऊपर, बिकॉज मेटल हैज हायर डिस्चार्ज पोटेंशियल ओवर द सर्फेस ऑफ मर्क्यूरी, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है ज्यादा, और हमने पढ़ा ही है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या कहती है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा वो एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होगा, कैथोड पे जाके वो रिड्यूस होगा। तो मेटल के केस में इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर आपको मेटल का मर्क्यूरी का कैथोड बना दिया है तो आपको कभी हाइड्रोजन गैस को नहीं, किसको करवाना है, उस मेटल के आयन को आपको उसके ऊपर ले जाके रिड्यूस करवाना है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये दो केस हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे, आज हम लोग और स्पेशल केसेस देखने वाले हैं जो अभी मैंने, अब देखो इसमें मैंने कंसंट्रेशन का रोल बता दिया कि डाइल्यूट होगा तो क्या होगा, इसमें हमने कैथोड चेंज कर दिया, प्लेटिनम का ना देके मर्क्यूरी का बना दिया। एक और हमारे पास फैक्टर था चार्ज डेंसिटी, जिसको मैंने बताया था चार्ज डेंसिटी फ्लोन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, जो केवल और केवल डाइल्यूट H2SO4 के लिए हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग उसको अब देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक नए टाइप का, ये दो स्पेशल केस थे अपने पास, पहला था डाइल्यूट NaCl का, ठीक है, जिसमें मैंने बता दिया आपको ध्यान रखना है। सेकंड हम लोगों ने देखा जब HG को कैथोड की तरह यूज करेंगे, तो ये दोनों हमने लास्ट क्लास में देखे थे। तो आज हम लोग थर्ड देखने जा रहे हैं नया अपना, जिसमें हम लोग चार्ज डेंसिटी का रोल देखेंगे कि चार्ज डेंसिटी किस तरीके से रोल प्ले करती है। ठीक है, चलो तो थर्ड जो हमें स्पेशल पढ़ना है बता, थर्ड इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग PT इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को यूज करते हुए हम लोग देखेंगे डाइल्यूट H2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस को। तो अगर हम H2SO4 की बात करें तो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में मैंने बताया था ये दो स्टेप में आपका टूटेगा, है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या देता है, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, और हमने ये भी देखा था कि जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है वही आपका कंप्लीट H प्लस देने वाला है, सेकंड स्टेप का एक डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू काफी छोटी होती थी। तो हम लोग मान के यही चलते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप में ये ऑलमोस्ट टूटता है जितना भी टूटना होता है, और चूंकि डायलूट है आपका तो एक्वस सॉल्यूशन ही होगा, और एक्वस होने का मतलब बेटा आपके पास H प्लस भी है और OH माइनस भी, वाटर भी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो आपके पास केटायन के केस में तो केवल और केवल क्या मिलेगा आपको, H प्लस ही मिलने वाला है, और एनायन के केस में देखो तो आपको एनायन दो तरीके के मिल गए यहाँ पे। ठीक है, तो केटायन तो हमेशा आपको H प्लस मिलेगा, एनायन के फॉर्म में आपको दो चीजें मिल जाएंगी। अब इसमें हम लोग दो केस करेंगे, पहला हम लोग केस ले लेते हैं यूजिंग लो चार्ज डेंसिटी, यूजिंग लो चार्ज डेंसिटी, पहला केस लेते हैं लो चार्ज डेंसिटी को यूज करते हुए, जिसे हम लोग नॉर्मल चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं, नॉर्मल चार्ज डेंसिटी। लो चार्ज डेंसिटी मतलब, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, कितना टाइम तक के लिए आप चार्ज को फ्लो करवा रहे हो। तो पहले हम लोग लो चार्ज डेंसिटी लेते हैं, लो चार्ज डेंसिटी मतलब आप जो नॉर्मली करवा रहे हैं, हर क्वेश्चंस के अंदर हम लोग नॉर्मली लो चार्ज डेंसिटी लेके चलते हैं। तो जब लो चार्ज डेंसिटी को आप यूज करोगे बेटा, तो बात करी जाए अगर एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर क्या आएगा, तो एनोड के ऊपर कौन कौन से आयंस दिखाई देंगे आपको, एनोड के ऊपर एक तो HSO4- दिखाई देगा,
और दूसरा आयन आपको कौन सा दिखाई देगा, OH माइनस एनोड के ऊपर। और कैथोड पे बात करूं अगर मैं, तो कैथोड पे तो अपने पास कैथोड के ऊपर केवल और केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, किसकी, H प्लस आयन की। कैथोड पे तो दूसरा कोई आयन आ ही नहीं सकता ना, केवल और केवल क्या आ सकता है, H प्लस। ठीक है, तो कैथोड पे तो H प्लस का ही होना है, चाहे वाटर का हो चाहे H2SO4 का। तो कैथोड पे हमेशा H प्लस का करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। तो कैथोड प्रोडक्ट फिक्स है, हमेशा क्या बनने वाला, H2 गैस। अब मैंने स्पेशल केस बताया है, याद रखने वाला है, तो लो चार्ज डेंसिटी जब यूज करते हैं तो उस केस में बेटा हम लोग OH माइनस का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ध्यान रखना है आपको ये। तो अगर आप OH माइनस का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो 2OH माइनस विल गिव्स हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपका एनोड प्रोडक्ट की बात की जाए तो एनोड प्रोडक्ट पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और कैथोड प्रोडक्ट की बात की जाए तो आपका कैथोड प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, यूजिंग लो चार्ज डेंसिटी। तो इट इज सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये क्या है आपका, ये भी हमारे लिए इट इज सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये भी सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो जाता है अगर आप अंडर लो चार्ज डेंसिटी काम करवाओगे तो। और बी पार्ट इसका, हम लोग चार्ज डेंसिटी का रोल देखने जा रहे हैं, यूजिंग हाई चार्ज डेंसिटी, अगर आपने चार्ज डेंसिटी ज्यादा ले लिया तो, यूजिंग हाई चार्ज डेंसिटी, अगर आपने हाई चार्ज डेंसिटी ले लिया तो क्या होगा आपका। तो अगर आपने चार्ज डेंसिटी ज्यादा ले लिया है बेटा, तो अब OH माइनस को प्रेफरेंस ना मिलकर किसको मिलता है, HSO4 माइनस को। याद रखने वाला, मैंने पहले ही कहा है ये याद रखने वाले केसेज हैं, स्पेशल केस के लिए इसी तरीके से अलग से मैंने हेडिंग डाल के लिखवाया है ताकि आप उसे याद रख सको। तो ये नोट के ऊपर बात की जाए तो ये नोट के ऊपर कौन कौन सा आयंस दिखाई दे रहे हैं आपको, HSO4 माइनस दिखाई दे रहा है आपको और OH माइनस। और कैथोड के ऊपर तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है बदलने की, क्योंकि कैथोड पे तो कैटाइन जाना है और कैटाइन मतलब हमेशा ही आपको क्या दिख रहा है, H प्लस। तो कैथोड पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कैथोड पे हमेशा ही H प्लस जाएगा। तो कैथोड का आपका 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस, कैथोड पे कोई चेंज होने का पॉसिबिलिटी नहीं। एनोड पे अगर आप हाई चार्ज डेंसिटी को यूज करते हैं तो उस केस में आपका HSO4 माइनस का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और आपका अगर HSO4 माइनस का ऑक्सीडेशन कराओगे बेटा तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब आपका एक सवाल जरूर यहां हो सकता है कि सर HSO4 माइनस में सल्फर ऑलरेडी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 6 में बैठा है, तो उसका ऑक्सीडेशन क्यों होगा, क्योंकि आपने बताया प्लस 6 का ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर है। तो ये भी बता दूं, यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन ना होके यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है बेटा। ऑक्सीजन जो आपका -2 में है वो -2 से -1 परोक्सी लिंकेज में चला जाता है, तो 2HSO4 माइनस का ऑक्सीडेशन होता है। तो ये आपका H2O8 -2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये बनाता है हमारे लिए, ठीक है। तो जो इसके अंदर चारों सल्फर ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं, इस स्ट्रक्चर में जाने के बाद दो किस्में हो जाते हैं, परोक्साइड लिंकेज के अंदर। आप चाहो तो इसे स्ट्रक्चर के थ्रू देख सकते हो, आपको H2SO4 का स्ट्रक्चर पता होगा। H2SO4 कैसे बनता है, H डबल बॉन्डो OH OH, ये हमारे लिए H2SO4 होता था। H2SO4 का एक एच हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, HSO4 माइनस। तो यहां से एक एच हटा दिया तो ये आपका HSO4 माइनस बन गया। तो इसके मैंने कितने मोल है, 2 मोल्स। तो ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है जाके, इसको अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस इसका करवा दिया है तो HSO4 माइनस आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। और इसका इलेक्ट्रोलिसिस होने का मतलब क्या करवाना है, इसका ऑक्सीडेशन करवाना, क्या करवा रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। तो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस आपको एक इसमें मिल जाएगा H2O8 में, और H2O8 का स्ट्रक्चर आपको पता हो, मार्शल्स एसिड बोलते थे जिसको हम लोग, है ना, रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ा है आपने, O सल्फर डबल बॉन्डो O माइनस और आपका O माइनस। तो ये आपका H2O8 के ऊपर 2 माइनस का स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसमें आप ये ध्यान से देखिए तो ये आपके लिए क्या बन जाता है बेटा, यहाँ पे परोक्सी लिंकेज, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ क्या कहलाता है, परोक्सी लिंकेज। और दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर की बात करो तो इसका भी -1 होगा और इसका भी -1 होगा, क्योंकि परोक्सी लिंकेज में ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। तो आपका HSO4 माइनस, यहाँ पे पहला ऑक्सीजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में है जो -2 के चार्ज में है। और जैसे इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद आपको
एक दो तीन चार पांच छह, ये जो छह टर्मिनल पे दिखाई दे रहे हैं ये छह ऑक्साइड के फॉर्म में माइनस टू, लेकिन बाकी दो किस में जाते हैं माइनस वन में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना ठीक है। प्लस टू एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका इस तरीके से आपका ऑक्सीडेशन होता है। और यही जो है ये वाला जो है ना सेकेंड हाई चार्ज डेंसिटी यूज करना, ये बेटा बेसिकली दिस इज ऑल्सो द प्रिपरेशन मेथड ऑफ H2O2। ये H2O2 को बनाने की भी मेथड है। किस तरीके से H2O2 को बनाने की मेथड क्या है, किस तरीके से इससे H2O2 को बनाया जाता है, उसे भी समझ लेते हैं जरा सा। तो देखो आपने जो बनाया यहाँ पे बेटा बेसिकली ये क्या है आपके लिए, ये आपके लिए क्या है, दिस इज H2H2O8। अगर दोनों को एक साथ देखेंगे तो H2H2O8। तो इसी से इसी मेथड से यूजिंग हाई चार्ज डेंसिटी हम लोग प्रिपरेशन ऑफ H2O2 भी करते हैं, तो उसे भी यहीं पे समझ लेते हैं हम लोग कि H2O2 का प्रिपरेशन कैसे होगा। तो आप क्या करते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। हमने क्या किया प्रिपरेशन ऑफ H2O2 किस तरीके से प्रिपरेशन करवाऊंगा मैं उसका, देखिए पहले हम लोगों ने क्या किया है, जो HSO4 माइनस आपका आया है HSO4 माइनस, इसका हमने क्या करवा दिया है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस, इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस करवाने का मतलब इसका हमने क्या करवा दिया ऑक्सीडेशन। इसका जैसे ही हमने ऑक्सीडेशन करवाया, ये ऑक्सीडेशन करने के बाद आपके लिए क्या बना देता है H2H2O8 ठीक है, प्लस टू इलेक्ट्रॉन ये बन जाता है आपका। फर्दर H2H2O8 जो आता है आपके पास H2H2O8, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं वाटर के साथ रिएक्शन, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हैं वाटर के साथ रिएक्शन। अब जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वाटर से रिएक्ट करने के बाद इसके अंदर जो परोक्साइड लिंकेज है ना वो टूट जाता है आपका, और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका 1 मोल ऑफ H2SO4 प्लस 1 मोल ऑफ H2SO5 के अंदर। तो जो इसके अंदर परोक्सी लिंकेज है इस सल्फर का वो आपका पहुंच जाता है किसके अंदर H2SO5 के अंदर ठीक है, इस तरीके से हो जाता है ये। और फर्दर अगर आपने इस, अब आप देखो इसको पता होगा तो आपको, इसे हम लोग बोलते हैं मार्शल्स एसिड, दिस इज कॉल्ड मार्शल्स एसिड, और इस वाले को पता हो तो इसे हम लोग बोलते हैं कैरोस एसिड। ये आपको नाम रेडॉक्स चैप्टर में आपने शायद पढ़ा होगा मार्शल्स एसिड और कैरोस एसिड। मार्शल्स एसिड जो है ये आपके लिए जो आपका मार्शल्स एसिड है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द परोक्सी परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम लोग परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी बुलाते हैं है ना। और जो आपका कैरोस एसिड है इसे हम लोग परोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बुलाते हैं, परोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसके अंदर एक ही आपका परोक्सी लिंकेज है, जबकि इसके अंदर दो सल्फर हैं और इसके अंदर भी परोक्सी लिंकेज होता है आपका। तो अगर आपसे प्रिपरेशन ऑफ H2O2 भी बोल दे तो हाई चार्ज डेंसिटी यूज करके H2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस से ही करवाया जाता है। तो अब वो मैं बता रहा हूँ, ये सब एडिशनल जानकारी है जो हमें सब्जेक्टिव में एक बार ITJ में कंप्रेंशन में पूछा, इसलिए मैं सब डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपको। हमें तो बस अगर पूछे अंदर हाई चार्ज डेंसिटी क्या होगा तो हमारा आंसर होगा आपका H2O8-2 का फॉर्मेशन होगा, या H2S2O8 का मतलब मार्शल्स एसिड आपका बनेगा ठीक है। और कैथोड पे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं, केवल क्या बनेगा H2। और पूछे कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है तो ऑक्सीडेशन सल्फर का नहीं, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है ऑक्सीजन, -2 का ऑक्सीजन किसमें चला गया है आपका -1 के अंदर ठीक है। तो हम लोग अगर H2O2 बनाना है तो पहले इसका मैंने पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब 1 मोल ऑफ वाटर से रिएक्शन करा दिया। फर्दर जो आपका H2SO5 बनता है ये कैरोस एसिड, ये बेटा फर्दर H2O से कंबाइन कर जाता है, और अगर इसको फर्दर हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस करवा दिया है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो ये H2SO5 का परोक्सी लिंकेज चला जाएगा किसके अंदर वाटर के अंदर, तो ये H2SO4 बना लेता है और यहाँ क्या बन जाता है आपका H2O2। और अगर आप पूरी तरीके से जोड़ दो इन्हें दोनों रिएक्शन को जोड़ दो तो ये आपका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कहलाएगा। तो H2SO5 आपको बीच में दिखने वाला नहीं है, आपको सीधा क्या मिलेगा H2S2O8 प्लस 2H2O gives 2 moles of H2SO4 plus 1 mole of H2O2। तो ये आप देख सकते हैं यहां से इस तरीके से H2O2 की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो ये भी एक तरीका है, ध्यान रखिएगा ना। तो ये सब कंप्रेंशन में एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस अगर बनाए तो पूछ सकता है, नहीं तो बस हमें कितना ध्यान रखना है कि अगर हाई चार्ज डेंसिटी लिया तो H2SO4 का HSO4 माइनस का ऑक्सीडेशन होगा एंड प्रोडक्ट विल बी H2S2O8 है ना, मार्शल्स एसिड या परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्रोजन गैस, बस इतना। ये सब एडिशनल जानकारी है कि
ऑक्सीडेशन सल्फर का ना होके किसका होता है, ऑक्सीजन का, और H2O2 उससे किस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, चलो इसमें एक और एडिशनल जानकारी है उससे भी दे देता हूं मैं। अगर आपने बेटा कभी अंदर हाई चार्ज डेंसिटी, अगर आपने हाई चार्ज डेंसिटी को यूज किया है तो इट मे बी पॉसिबल दैट टू प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेंड एट एनोड, एनोड के ऊपर दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं। जब आप अगर हाई चार्ज डेंसिटी को यूज करते हो, इसको नोट बना के लिख लेते हैं, अगर हम लोग हाई चार्ज डेंसिटी को यूज करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि एनोड पे दो प्रोडक्ट मिल जाए हमें। ठीक है, कैसे, देखो इसे समझाता हूं मैं। इफ वी आर यूजिंग, पहले लिख लेते हैं इसे, इफ यू वी आर यूजिंग हाई चार्ज डेंसिटी देन इट मे बी पॉसिबल दैट टू प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेंड एट एनोड। ठीक है, अगर हमने हाई चार्ज डेंसिटी को यूज किया बेटा, देन इट मे बी पॉसिबल दैट टू प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेंड एट एनोड। एनोड के ऊपर आपको दो प्रोडक्ट पे मिल सकता है। अगर क्वेश्चन में उसने बोला है कि दो प्रोडक्ट आपको एनोड पे मिलना है, तो आपको जाहिर सी बात है कि आपने कौन सी चार्ज डेंसिटी को यूज किया होगा, हाई चार्ज डेंसिटी को, क्योंकि हाई चार्ज डेंसिटी में दो प्रोडक्ट्स भी मिलने के चांस है एट एनोड, एनोड के ऊपर। जैसे इसी एग्जांपल की बात करूं मैं, तो हमारे लिए जो आया था एनोड के ऊपर बेटा, एनोड, तो एनोड पे कौन कौन से आयन थे, एक तो आपका HSO4- आ रहा था, दूसरा आपका OH- आ रहा था। ठीक है, तो आपने हाई चार्ज डेंसिटी कराई, तो मैंने आपको बताया आपको किसको प्रेफरेंस देना है बेटा, HSO4- को। तो आपने पहले HSO4- का ऑक्सीडेशन करा दिया था, तो ये इसका ऑक्सीडेशन कराते ही आपको क्या मिला था, H2S2O8 मिल गया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका मिला था प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट तो ये मिल गया है, लेकिन अभी जैसा कि मैंने बताया, ये हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया है। डाइल्यूट H2SO4 लेने का मतलब इसका कंसेंट्रेशन तो बहुत कम होगा, डाइल्यूट H2SO4 है तो इसका कंसेंट्रेशन बहुत कम होगा। तो अगर कंसेंट्रेशन कम है तो आप हाई चार्ज डेंसिटी है, मतलब आप चार्ज अभी भी करंट फ्लो करा रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस अभी भी करा रहे हो, तो बेटा ये कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा। तो अगर ये खत्म हो जाएगा और आप अभी भी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको फिर किसका इलेक्ट्रोलिसिस होने लगेगा, OH- का। तो पहले फर्स्ट प्रोडक्ट इससे मिला, पहले इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, और बाद में जब HSO4- सॉल्यूशन से खत्म हो गया, तब किसका इलेक्ट्रोलिसिस होने लगेगा, OH- का। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इट मे बी पॉसिबल दैट टू प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेंड एट एनोड अंडर यूजिंग हाई चार्ज डेंसिटी। अगर आपने हाई चार्ज डेंसिटी को यूज किया है, तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि आपका HSO4- खत्म हो गया, तो अब आपको किसका होने लगेगा ऑक्सीडेशन, OH- का। और OH- का ऑक्सीडेशन पे हमें पता है प्रोडक्ट क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस मिलता है H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट मिल गया। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि दो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, तो आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि वो हाई चार्ज डेंसिटी में हो रहा होगा। और अगर वो पूछे दो प्रोडक्ट कौन से हो रहे हैं, तो आपके पास जो भी दो एनायन दिखाई देंगे, दोनों का आप इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो। ठीक है, कैथोड के ऊपर तो एक ही पॉसिबिलिटी थी, क्या जाने का, एच प्लस जाने का, है ना। अगर कैथोड के ऊपर भी आपका प्रोडक्ट आयंस बदलता है, तो इट में भी पॉसिबल कि वहां भी दो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, पर ये एनोड पे ये वाला पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने इसे भी मेंशन करवा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस था किसका, H2SO4 का, जब हाई चार्ज डेंसिटी को हम लोग यूज करते हैं। तो हमने बेटा कौन कौन से रोल देख लिए, हमने पहला देखा था हमने कि आप किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, उसके ऊपर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता था। सेकंड हमने देखा मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें मोल्टेन और एक्वस, तो मोल्टेन भी देख लिया था हमने, एक्वस के भी हमने बहुत सारे केसेस देख लिए अलग अलग। ठीक है, उसके बाद मैंने थर्ड आपको बताया था आपको कि आप चार्ज डेंसिटी कैसा ले रहे हो, या कंसंट्रेशन, थर्ड फैक्टर था कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो कंसंट्रेशन में डायल्यूट ले रहे हो कि कंसंट्रेटेड, तो ये भी रूल बता दिया, अनलेस अदरवाइज मेंशन ऑलवेज अज्यूम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और डायल्यूट के लिए केवल एक ही ध्यान रखना है, कौन सा, डायल्यूट NaCl, जो अभी मैंने बताया आपको। डायल्यूट NaCl में Cl- को ना करा के किसका करा दिया था, OH- का। ठीक है, और लास्ट अगर फोर्थ एक और फैक्टर की बात करूं, फोर्थ था हमारा चार्ज डेंसिटी फ्लोन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, तो उसके अंदर हम लोगों ने बताया था, मैंने केवल एक ही के लिए पढ़ना है किसका, डायल्यूट H2SO4, वो भी हमने पढ़ लिया। ठीक है,
एक और फैक्टर लास्ट था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, जिसमें एक एक्टिव इलेक्ट्रोड था, दूसरा इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो अभी इलेक्ट्रोड बदलने वाला एक केस मैंने दिखा दिया, NaCl यूजिंग मर्क्यूरी एज इलेक्ट्रोड, HEG का कैथोड बना के एक दिखाया। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं लास्ट फैक्टर को बदलने वाले केसेस लेने वाला हूं मैं। तो हमने कितने केसेस कर लिए, चार कर लिए ना, चार स्पेशल केसेस नहीं, तीन हुए अपने पास, तीन हो गए। फोर्थ स्पेशल केस है अपने पास कि अब हम लोग इलेक्ट्रोड को बदलेंगे। अब हम लोग किसे बदलेंगे, इलेक्ट्रोड को बदलेंगे। आपका एनोड अलग इलेक्ट्रोड का बना दूंगा मैं, कैथोड अलग, मतलब अब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड नहीं रहेगा। अभी तक हम लोग अनलेस अदरवाइज मेंशन, ऑलवेज एज्यूम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तीन मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट क्या था, अनलेस अदरवाइज मेंशनड ऑलवेज एज्यूम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। वो हमने कर ही रहे हैं बार बार हम लोग, जब तक नहीं मेंशन है। सेकंड था अपने पास ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट, सबसे पहले आप एनोड की रिएक्शन को एनालाइज करो। तो वो भी अभी तक नहीं किया, अब हम लोग करना पड़ेगा, ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट। और थर्ड पॉइंट था इफ मेटल इज ऑफ मेड अप ऑफ मेटल, अगर एनोड जो है आपका, इफ एनोड इज मेड अप ऑफ मेटल देन दैट मेटल विल ऑक्सीडाइज एट एनोड, वही मेटल का ऑक्सीडेशन एनोड पे हो जाएगा रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस। आप सॉल्यूशन में कितने आयंस लिए उससे मतलब नहीं है, अगर एनोड आपका मेटल का है तो उसी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो उन सारे पॉइंट्स का अब मैं यूज आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से होता है। तो हम लोग फोर्थ स्पेशल केस ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3 यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड, यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो देखो बेटा, इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया कि किसके इलेक्ट्रोड को लेना है हमें, Ag के इलेक्ट्रोड को। अगर ये नहीं दिया होता तो हम किसको लेते थे, प्लेटिनम को, पर इस बार क्लियरली मेंशन कर दिया Ag का इलेक्ट्रोड लेना है। तो अब देखो कैसे करोगे इसके ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस का काम। तो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाओगे पहले, इसके अंदर बेटा दो रॉड डालेंगे हम लोग, ठीक है, एक एनोड होता है और दूसरा वाला रॉड आपका कैथोड होता है। तो इसके अंदर हमने दो रॉड को डिप करा के रख दिया, फर्स्ट रॉड जो है हमारे पास ये हमारा एनोड है, एनोड है, और सेकंड वाला रॉड जो है ये हमारा कैथोड है। ठीक है, एनोड जो होता है वो हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो एनोड होता है वो हमारा सॉरी एनोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल, जो कैथोड होता है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और आप इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिए होंगे। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है कि आपको जो इलेक्ट्रोड लेना है किसका लेना है, Ag का, अनलेस अदरवाइज मेंशन, ये दोनों प्लेटिनम के होते हैं। लेकिन अब उसने दे दिया है क्वेश्चन में ये किसका इलेक्ट्रोड है, Ag का, और जो दूसरा वाला इलेक्ट्रोड भी मैंने लिया है ये भी किसका इलेक्ट्रोड है आपका, Ag का। इस बार उसने खुद ही हमें दे दिया है प्रॉब्लम में कि दोनों Ag के इलेक्ट्रोड है, और आपने एक प्लस AgNO3 लिया है। तो सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन दिखाई देंगे बेटा आपको, Ag प्लस भी दिखाई देगा आपको, NO3 माइनस भी दिखाई देगा, ठीक है, आपको H प्लस भी दिखाई देगा, आपको OH माइनस भी दिखाई देगा, क्योंकि ये चार आयंस होंगे एक्वस फॉर्म में आते ही, केटायन अपने पास Ag प्लस, H प्लस, एनायन, NO3 माइनस और OH माइनस। केटायन जाता है कैथोड की तरफ, मतलब Ag प्लस जाएगा कैथोड की तरफ, एनायन जाता है एनोड की तरफ, NO3 माइनस जाएगा एनोड की तरफ, केटायन कैथोड मतलब H प्लस कैथोड की तरफ, OH माइनस आपका एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपका एनोड के ऊपर, अगर आपसे मैं पूछूं एनोड कि एनोड के ऊपर आपको क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है एनोड पे, तो और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा कौन कौन से एनायन है आपके पास जाने के लिए, एनोड पे एनायन जाएंगे, एक तो एनायन है आपके पास NO3 माइनस, सेकेंड एनायन है आपके पास OH माइनस। ठीक है बेटा, अब इन दोनों में से किसको दिया जाए, तो अब जो मैंने तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए थे वहां पे मैंने लिखवाया था, इफ एनोड इज मेड अप ऑफ मेटल देन दैट मेटल विल ऑक्सीडाइज एट एनोड इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस। आपको दूसरे कौन से आयन मौजूद है उनसे मतलब नहीं है, आपका एनोड अगर मेटल का बना है तो उसी का ऑक्सीडेशन होने वाला है, उसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे आपको Ag का ही ऑक्सीडेशन कराना है। अब उसको समझो भी क्यों, देखो आपको पता है कि NO3 माइनस और OH माइनस इसके ऊपर जाके अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे, उसके ऊपर जाके ऑक्सीडाइज होंगे, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को जाके छोड़ेंगे, और खुद मेटल जो होता है, मेटल तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मेटल भी इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है। तो जब तक ये दोनों एनायन यहाँ पे पहुंच के अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे, उसके पहले ही मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, उसके पहले ही मेटल, अगर मेटल खुद आपका
एनोड बन गया है तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, तो जब तक ये दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ने जाएंगे उससे पहले ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो ये जो मेटल है आपका एजी, ये मेटल आपका खुद ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और सॉल्यूशन में एजी प्लस के फॉर्म में आ जाएगा। ये खुद इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा रॉड के अंदर, अपने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा और क्या करेगा, एजी प्लस के फॉर्म में सॉल्यूशन के बाहर आ जाएगा। ये समझ पा रहे हो क्यों हुआ? एनोड का अगर आपने मेटल बना दिया तो उसी का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो इन दोनों में तो रेस हो रही थी कौन जल्दी से जाके इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा इन दोनों के अंदर। लेकिन अगर खुद मेटल आपका एनोड जो है वो खुद मेटल का बना है तो वही मेटल आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा तुरंत, है ना। तो इसीलिए मैंने लिखा था ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट, और सेकंड पॉइंट था इफ एनोड इज ऑफ मेटल देन दैट मेटल विल ऑक्सीडाइज एट एनोड इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस। आप जाके देखो फर्स्ट लेक्चर जो इलेक्ट्रोलिसिस का था उसमें आपको मैंने थर्ड वाला पॉइंट, जो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा थे वहां पे लिखा है इस बात को मैंने। तो आप यहाँ पे एनोड पे बेटा अब आपको एनओ थ्री ओ एच माइनस के साथ ही साथ आपको एजी को भी सोचना है। अभी तक हम क्यों नहीं सोचते थे, क्योंकि प्लेटिनम था और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड तो इनर्ट होता है ना, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं था, उस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता उस मेटल का खुद का। जब आपको एक्टिव इलेक्ट्रोड दे दिया एजी तो आपको इसको भी सोचना, आई होप की समझ में आ रहा है क्यों, है ना, तो इसे भी सोचना है। तो आप अगर एनोड की बात करोगे तो एनोड पे किसका होगा बेटा, ऑक्सीडेशन एजी का हो जाएगा, तो आपका एजी सॉलिड जो एनोड का है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एजी प्लस एक्वस प्लस एच प्लस इलेक्ट्रॉन के अंदर, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा आपका एनोड पे। और कैथोड की बात करूं अगर मैं, तो देखो कैथोड के ऊपर, कैथोड पे क्या होने वाला है, रिडक्शन, और रिडक्शन होने का मतलब कौन कौन से आयन है मौजूद बेटा हमारे पास कैथोड के ऊपर, तो केटाइन, एक तो एजी प्लस केटाइन मौजूद है और दूसरा आपको एच प्लस केटाइन मौजूद है, ठीक है। अब देखो इसीलिए ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट, एनोड रिएक्शन को पहले एनालाइज करो, क्योंकि अगर आप एनोड रिएक्शन को एनालाइज नहीं किए होते तो आपको ये नहीं पता चलता कि सॉल्यूशन में एजी प्लस भी आया है। अब देखो सॉल्यूशन में एजी निकल के एजी प्लस भी आया, अब इस एजी प्लस का भी हो सकता है इसके ऊपर रिडक्शन हो जाए या इस एजी प्लस का हो जाए या एच प्लस। अब ये तो रूल फिक्स है, चापा कैटेगरी का कोई मेटल आएगा तो उसी का होना है, तो Ag प्लस और H प्लस में तो फिक्स है Ag प्लस का ही होना है। कौन से Ag प्लस का, इसका कि ऊपर वाले का, क्योंकि अब आप देखो एक Ag प्लस यहां से भी आ चुका है, एक Ag प्लस आपका यहां से भी आ चुका है, इस एनोड से आ चुका है Ag प्लस सॉल्यूशन के अंदर, इसीलिए एनोड की रिएक्शन को पहले एनालाइज करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप कैथोड को पहले एनालाइज कर लेते तो आप इस Ag प्लस के बारे में सोच ही नहीं सकते। यहां पे चूंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों Ag प्लस ही हैं। लेकिन सपोज करो अगर ये आपका NaCl का सॉल्यूशन होता, अगर ये आपका एक्वस NaCl होता और मैं Ag का इलेक्ट्रोड यूज करता, यहां पे NaCl होता तो यहां पे आपका तो Cl- आता, तो Cl- का तो नहीं करवाते आप, करवाते किसका, Ag का ही, ये तो रोल समझ ही गए, मेटल बन जाएगा एनोड का। तो यहां पे क्या आता आपका Na प्लस, अगर ये NaCl होता तो यहां पे क्या आता Na प्लस, यहां पे H प्लस, तो आप Na प्लस और H प्लस में किसको प्रेफरेंस देते हैं बेटा, H प्लस को दे देते हैं, Na प्लस और H प्लस में H प्लस को। लेकिन अगर आपने एनोड के रिएक्शन को पहले एनालाइज कर लिया है तो बेटा सॉल्यूशन में अब Ag प्लस भी है, अब सॉल्यूशन के अंदर Ag प्लस भी है, तो आपका यहाँ Na प्लस या H प्लस, यहाँ पे क्या आता Ag प्लस भी आता, और हमें पता है अगर चापा कैटेगरी का मेटल आ गया तो उसी को प्रेफरेंस देना है, तो हम लोग किसका करवाते Ag प्लस का कराते, Na प्लस का नहीं करवाते, समझे गए इस बात को। तो चूंकि यहाँ पे इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों Ag प्लस ही आयन है, लेकिन अगर ये आपका NaCl होता NaCl तब फर्क पड़ता है, यहाँ पे Na प्लस होता तो यहाँ पे Ag प्लस, तो हम Ag प्लस को करवाते Na प्लस को नहीं करवाते, क्योंकि चापा वालों का होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका Ag प्लस का यहाँ पे, तो जो आपका Ag प्लस एक्वस फॉर्म में है बेटा ये इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा Ag सॉलिड के अंदर, तो ये इसका रिडक्शन Ag प्लस का होगा। तो यहाँ पे हमने इस Ag को ही प्रेफरेंस दिया है, एनोड मेटल का बना है तो उसी को देना है, यहाँ पे चाहे आप इसे कहो चाहे इसे कहो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो कंसर्निंग पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या है, क्या होने वाला है, आप इस Ag प्लस को भेजो या इस Ag, अगर सपोज करो ये Ag प्लस आएगा तो यहां से Ag प्लस आएगा, ये जाएगा तो ये सॉल्यूशन में रहेगा, मतलब फाइनली Ag प्लस का कंसंट्रेशन में कोई चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। और अगर आप इन दोनों को ओवरऑल जोड़ के देखना चाहते हो तो आपको जोड़ दोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, Ag सॉलिड, देखो Ag प्लस तो आपको कहीं दिखने वाला नहीं है, ठीक है, Ag सॉलिड कहां का, एनोड का, Ag सॉलिड फ्रॉम एनोड will be now converted into Ag solid in cathode, cathode वाले rod पे convert होता आपको दिखाई देगा। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि concentration of Ag plus में क्या change होगा, तो concentration of Ag plus में no change, कोई change नहीं दिखाई देगा,
क्योंकि Ag प्लस जितना आ रहा है, जितना जा रहा है उतना आ भी तो रहा है, तो Ag प्लस में कोई चेंज नहीं होगा। कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस में पूछूं तो क्या पार्टिसिपेट किया है? नहीं, तो NO3 माइनस में भी नो चेंज, यहां पे हम लोग बोलेंगे नो चेंज। अगर मैं आपसे पूछूं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस या में, तो आप क्या बोलोगे? H प्लस का कंसंट्रेशन नो चेंज, OH माइनस नो चेंज, किसी में भी कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस पार्टिसिपेट नहीं किया है तो इसमें भी नो चेंज, ठीक है बेटा। अगर आपसे पूछा मैंने पीएच में क्या होगा, तो चूंकि H प्लस भी नो चेंज है, OH माइनस भी नो चेंज है, तो पीएच में भी नो चेंज। दोनों में से कोई एक आयन पार्टिसिपेट करना चाहिए था, तब पीएच में चेंज होता, पीएच में नो चेंज। कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3 में पूछ लो तो AgNO3 के कंसंट्रेशन में भी नो चेंज। तो आखिर सर सब में नो चेंज है, तो आखिर हो क्या रहा है, ये करवा क्या रहे हैं हम लोग, है ना? जब सब नो चेंज है तो आखिर करवा क्या रहे हैं? तो बेसिकली दिस प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, प्लेटिंग बोलते हैं मैंने, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं, क्योंकि आप कुछ समय के बाद देखोगे, आफ्टर सम टाइम आप देखोगे तो क्या दिखाई देगा आपको, दिस इज आफ्टर, अगर सम टाइम की मैं बात करूं, आफ्टर सम टाइम या आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद या आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद आप देखोगे तो आपको क्या सिचुएशन दिखाई देगी? बेटा यहां से एजी निकल निकल के सॉल्यूशन में जा रहा होगा, और यहां से एजी इस रॉड के ऊपर क्या हो रहा होगा, जाके डिपोजिट होता जाएगा। तो आपको कुछ समय के बाद इस तरीके की कुछ सिचुएशन देखने को मिल सकती है कि आपका जो एनोड वाला रॉड है बेटा, एनोड वाला रॉड, आपका ये जो एनोड का रॉड है, देखिए आपका जो एनोड का रॉड है उसकी थिकनेस जो है धीरे धीरे आपकी खत्म होगी। ये एनोड का रॉड जो है, यहां से आयंस निकलते जा रहे हैं, तो आपका एनोड का रॉड इस तरीके से डिप्लेट होता हुआ दिखाई देगा आपको। एनोड का रॉड इस तरीके से आप देखोगे तो डिप्लेट हो चुका होगा, है ना, इस तरीके से। और कैथोड की रॉड की बात करोगे तो कैथोड रॉड के ऊपर देखोगे तो आप एक इसके ऊपर एक पतला सा और लेयर आ चुका होगा, जो एजी सॉलिड जाके डिपोजिट हो रहा है वो इसके ऊपर इस तरीके से लेयर के फॉर्म में डिपोजिट हो जाएगा जाके, ठीक है बेटा। और आप देखोगे तो इस एनोड रॉड के नीचे आप देखोगे तो यहां पे कुछ मड दिखाई देता है, गंदगी दिखाई देती है, दिस इज नोन एज द एनोड मड। ये शायद आपने सुना होगा नाम, दिस इज कॉल्ड एनोड मड। एनोड के नीचे जो इकट्ठा हो जाएगा एनोड मड हो जाता है। और आप देखो तो एनोड धीरे धीरे खत्म हो चुका है और कैथोड के ऊपर क्या हो चुका है, जाके कोटिंग हो चुकी है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस बोला जाता है इसे। क्योंकि किसी भी आयन के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं, पीएच में कोई चेंज नहीं, कुछ चेंज नहीं है, तो बेसिकली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, क्या है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, मतलब होता है रिफाइनमेंट ऑफ मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस का मतलब भी होता है प्रोसेस इन विच रिफाइनमेंट ऑफ मेटल इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस है रिफाइनमेंट ऑफ मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो इससे हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट विद In process in which electro refining is carried out with the help of electrolysis is known as the electro refining process. Refinement of metal with the help of electrolysis is called electro refining. ये electro refining कहलाता है। और electro refining काफी ये जो होता है ना expensive method है, काफी expensive होता है, costly method है। और generally ये हम लोग उस तरीके के metal के लिए use करते हैं जो precious metals हैं। और इससे हम लोग लगभग 99.9% pure metal obtain कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं information. It is very एक्सपेंसिव मेथड, इट इज वेरी एक्सपेंसिव मेथड। आपको देखने में तो ऐसे सरल सा डायग्राम और सिंपल सा चीज दिख रहा है, पर ये एक्सपेंसिव मेथड होता है। इट इज वेरी एक्सपेंसिव मेथड एंड नॉर्मली यूज्ड फॉर
प्रीसियस मेटल्स सच एज, नॉर्मल यूज फॉर प्रीसियस मेटल्स सच एज एजी, एयू एक्सेट्रा, इस तरीके के गोल्ड सिल्वर, इन सब के लिए आपको जनरली इस मेथड को आप यूज करवाते हो, और ये लगभग आपका 99.9% प्योर मेटल भी देता है। तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं, इट गिव्स ऑलमोस्ट 99.9% प्योर मेटल। तो ये लगभग आपका 99.9% प्योर मेटल भी देता है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इट गिव ऑलमोस्ट 99.9% प्योर मेटल। तो दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। आपने AgNO3 का सॉल्यूशन लिया, सिल्वर का इलेक्ट्रोड लिया, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस है। अब इसमें हमसे क्या पूछ सकता है, अगर ये देखो ये रॉड कौन सा है बेटा, एनोड है, ये वाला रॉड कौन सा था एनोड का, और ये वाला रॉड कौन सा आपका कैथोड है। तो आपसे पूछे एनोड आप किसका बनाओगे, तो एनोड देखो एनोड तो कंटिन्यूअसली खत्म होने वाला है, गलते जाना है, धीरे धीरे इरोड होगा, डिप्लेट होगा, और कैथोड पे क्या होगा, एक कोटिंग होती जाएगी। तो आपसे कभी पूछे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस में आप एनोड का रॉड किसका बनाओगे और कैथोड का रॉड आप किसका बनाना चाहोगे, तो एनोड आप किसका बनाओगे बेटा, इम्प्योर मेटल का। एनोड किसका बनाएंगे हम लोग, इम्प्योर मेटल, जो मेटल इम्प्योर है, ताकि उसके अंदर से प्योर मेटल निकल के डिपोजिट हो जाए और इम्प्योरिटीज क्या हो, नीचे एनोड मट के फॉर्म में बैठती चले जाए। तो एनोड आप इम्प्योर मेटल का बनाओगे, और कैथोड आपसे पूछे तो कैथोड आप किसका बनाओगे, प्योर मेटल का। कैथोड आपको किसका बनाना है, प्योर मेटल का, ताकि उस मेटल के ऊपर जाके क्या हो और डिपोजिट होता चला जाए, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हो कि जो इम्प्योर मेटल है यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, अगर आपसे ये पूछे वेट ऑफ एनोड रॉड, वेट ऑफ एनोड रॉड, तो एनोड रॉड का वेट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली कम होता जाएगा, और कैथोड रॉड का वेट कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। तो वेट ऑफ एनोड रॉड बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजेस। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ सकता है, एनोड रॉड का वेट कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, अगर आपसे बोले वेट ऑफ कैथोड रॉड, तो कैथोड रॉड का वेट कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है आपको, ठीक है, इंक्रीजेज। हम देखो कैथोड रॉड का वेट क्या हो गया, कंटिन्यूअसली बढ़ गया। अगर हमसे ये बोल दिया कि एनोड रॉड का जो वेट कम हो रहा है वो x ग्राम से कम हो रहा है, कितने से, x ग्राम से, और इसमें बता दिया कि जो कैथोड रॉड का वेट है वो बेटा y ग्राम से बढ़ रहा है, तो x और y में क्या रिलेशन होगा, तो बेटा अगर यहां से 10 ग्राम अगर कम हुआ मास, सपोज करो यहां से 10 ग्राम, तो यहां क्या 10 ग्राम का डिपॉजिट होगा क्या, नहीं, 10 ग्राम के अंदर कुछ इंप्योरिटीज भी है जो नीचे गिर जाएगी। तो अगर आपने यहां से 10 ग्राम निकला होगा तो हो सकता है इसके ऊपर 9.9 चला जाए, 0.1 ग्राम इंप्योरिटी हो। तो हमेशा एनोड रॉड का वेट जो होगा वो ज्यादा कम होगा और कैथोड पे वेट थोड़ा कम बढ़ेगा, मतलब हमेशा एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी होगी, जो एनोड रॉड का जितना वेट कम होगा उसमें कैथोड रॉड का वेट थोड़ा कम बढ़ेगा, है ना। 10 ग्राम निकलेगा तो इसमें हो सकता है 9 ग्राम जाए, 9.9 ग्राम जाए, कुछ तो इम्प्योरिटीज भी मिलेगी ना। अगर यहाँ से 5 ग्राम निकला तो हो सकता है केवल इस पे 4 ग्राम का वेट बढ़े और 1 ग्राम क्या हो, इम्प्योरिटी हो। तो अगर x ग्राम से कम हो रहा है, वाई ग्राम से बढ़ा है, तो एक्स हमेशा डेफिनेटली हमेशा वाई से क्या होगा, बढ़ा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस, और इसे पूरा मैंने डिस्क्राइब कर दिया किस तरीके से आपका होता है अगर आपने इलेक्ट्रोड को चेंज किया है तो क्या रोल प्ले करता है। इसी तरीके का सिमिलर प्रोसेस होता है, आपको यह भी समझा दिया, अगर यहाँ पे एक बस AgNO3 की जगह आपने NaCl ले लिया और Ag का इलेक्ट्रोड ले लेते तो बेटा यहाँ पे Na+ आता, तो भी आप Ag+ को प्रेफरेंस देते ना। तो ये सिमिलर प्रोसेस है ना, लिख सकते हैं हम लोग, सिमिलर प्रोसेसेस आर ऑल्सो ऑप्टेंड ड्यूरिंग सिमिलर, इसी तरीके का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, सिमिलर प्रोसेसेस आर ऑल्सो ऑप्टेंड ड्यूरिंग, पहला किसके किसके इलेक्ट्रोलिसिस में, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड। आपने Ag का इलेक्ट्रोड यूज किया है तो भी आपको यही मिलेगा, अभी समझा दिया जस्ट मैंने, NaCl लोगे तो यहाँ Cl-, तो बेटा एनोड पे तो उसी का होना है मेटल का, यहाँ पे Na+ आता और Ag+, तो Na+ और Ag+ में Ag+ को प्रेफरेंस देते, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड। सेकेंड जैसे हो सकता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4 यूजिंग Cu इलेक्ट्रोड। आपने CuSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराया और कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया तो भी आपको यही मिलने वाला है। आपने यहां CuSO4 का ले लिया बेटा सॉल्यूशन और कॉपर का यहां भी ले लिया, कॉपर की रॉड यहां भी ले ली तो भी आपको यही मिलेगा। पहले एनोड से कॉपर ही निकलेगा और कैथोड पे बेटा चापा कैटेगरी का तो कॉपर ही जाएगा, तो यही प्रोसेस दिखने वाला है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। थर्ड जैसे हो सकता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuCl2 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। आप CuCl2 का करवाओ, आप खुद ही एग्जांपल बना सकते हो एंड मेनी मोर। ऐसे बहुत सारे आप खुद एग्जांपल बना सकते हो। ऐसे एग्जांपल को सेट करो बेटा जिनमें क्या हो आपका, ऐसे एग्जांपल्स को हम लोग सेट करने की कोशिश करेंगे जिनके अंदर आपका उसी मेटल का, देखो मेटल को तो आप बना दोगे तो उसी का ऑक्सीडेशन होना ये तो फिक्स है। यहां पे आप ऐसा बनाओगे कि कंपेयर करते समय उसी मेटल का आपको रिडक्शन भी हो जाए, है ना, उसी मेटल के आयन का रिडक्शन भी हो जाए। तो आप CuSO4 से कॉपर ले लोगे तो भी वही होगा, CuCl2 में कॉपर ले लिया तो CuCl2 तो यहाँ Cl- यहाँ OH- तो भी कॉपर का ही होना है, और यहाँ पे आओगे तो CuCl2 है तो Cu+2 H+ और दूसरा जो निकलेगा वो Cu+ ही निकलेगा। तो ये सब सिमिलर केसेज हो जाते हैं और बहुत सारे आप ऐसे एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। दिमाग में बस ये रखना है एनोड जिस मेटल का बनाओगे आप उसी का आपको ऑक्सीडेशन करवाना है सबसे पहले, और वो जैसे ही आयन आ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, उसी सॉल्यूशन के अंदर अगर वो चापा कैटेगरी का है तो उसका आपको तुरंत रिडक्शन भी हो जाएगा कैथोड पे। तो ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस कहलाता है, इस तरीके से हमारे लिए होता है। चलो सिमिलर प्रोसेस है इसी के जैसा जिसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, ठीक है, इसी के जैसा एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं, वो सिमिलर इसी तरीके से चलता है। बस मैं यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन चेंज कर दूंगा आपका, अगर इन्फॉर्मेशन मैं चेंज कर देता हूँ तो आपका बन जाएगा, देखो जैसे अभी मैं बस केवल इलेक्ट्रोड चेंज करता हूँ। देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3 यूजिंग कॉपर एनोड यूजिंग AgNO3 एंड Cu कैथोड। और देखो मैं रोल प्ले करवा रहा हूं, ये आपका फिफ्थ है, ये आपके लिए फिफ्थ इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3 यूजिंग AgNO3 सिल्वर का एनोड लेना है और कॉपर का इस बार आपको कैथोड बनाना है। तो क्या चेंज हो जाएगा बेटा बताओ, क्या चेंज होगा? सॉल्यूशन को तो अभी वैसे ही रहने देता हूं मैं, सॉल्यूशन के अंदर आयंस तो चेंज नहीं होंगे क्योंकि एक्वस AgNO3, आप एक्वस CuSO4 भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप किसी को भी ले लो एक ही बात पड़ेगी। अगर मैंने लिया है तो यही रहेगा आपका अंदर, ठीक है, इधर भी Ag यही रहने वाला है, बस यहां पे बस मैं Ag की जगह पे क्या लिख दूं, कैथोड किसका बना है, कॉपर का। कैथोड किसका बना है इस बार, कॉपर का बना है, ठीक है। अब कैथोड किसका हो गया आपका, कॉपर का। तो अगर आप बात करोगे तो फिर आपको यही चीजें दिखाई देने वाली है। देखो एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाने वाला है, एनायन, तो NO3- और OH-, और एनोड पे खुद मेटल है तो यही रिएक्शन होगी एनोड पे, कोई दिक्कत नहीं। कैथोड पे आओगे तो कैथोड पे भी बेटा देखो, कैथोड पे भी आपका Ag+ ही मिलने वाला है, H+ मिलने वाला है और Ag+, मतलब इन दोनों रिएक्शन में कोई चेंज होने वाला नहीं है, मतलब सेम आपका सब यही सब चीजें दिखाई देगी। लेकिन अब ये आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ना होके इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रो रिफाइनिंग नहीं। देखो रिफाइनिंग कब बोलते हैं, रिफाइनिंग मतलब एनोड भी सेम मेटल का हो और कैथोड भी सेम मेटल का हो तब तो रिफाइनिंग है। जैसे यहां भी Ag था, इम्प्योर वाला Ag यहां से निकल के इसके ऊपर डिपोजिट हो रहा था, है ना, जब एक इम्प्योर हो दूसरा प्योर हो तो रिफाइनिंग है कि आप रिफाइनमेंट करा रहे हो। लेकिन आपने देखो Ag का एनोड बनाया सिल्वर का और कॉपर का क्या बनाया, कैथोड। इस बार आपका ये बेटा रॉड किसका है, आपको तो डायग्राम फिर से बनाने हैं, ये आपका कॉपर का है, कैथोड किसका है, कॉपर का, और आपका एनोड किसका है इस बार, Ag का, ठीक है। तो आप देखो Ag से सिल्वर से आपके सिल्वर के एटम निकल के और कॉपर के ऊपर जाके डिपोजिट हो रहे हैं, ये जो डिपोजिशन अब आपको दिखाई देगा ये किसका रहेगा, आपको Ag का, ये आपको किसका दिखाई देगा, Ag का। और इस केस में अब आप एनोड मट वगैरह की बात नहीं करोगे, एनोड मट की बात, क्योंकि आप प्योर इम्प्योर मेटल को प्योर थोड़ी ना बना रहे हो, आप तो नॉर्मली क्या करा रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस करवा के प्लेटिंग करवाने की कोशिश कर रहे हो। तो रिएक्शन वाइज तो समझ में आ रहा होगा आपको कि सेम ही जाने वाला है रिएक्शन, Ag का ही होने वाला है फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप के अंदर भी Ag+ ही रहेगा, निकल के आएगा और यही Ag+ वापस भाग रहा है किसके ऊपर, इस रॉड के ऊपर, ठीक है, इस रॉड के ऊपर जा रहा है आपका कॉपर के ऊपर, तो भी आपका ये फिक्स ही है किसी तरीके से होने वाला है, ठीक है। तो
रिएक्शन वाइज सब सेम रहेगा, आपका बस ये रहेगा कि कॉपर के ऊपर अब किसकी कोटिंग हो जाएगी बेटा, एजी की कोटिंग हो जाएगी, मतलब अब सिल्वर की कोटिंग हो गई किसके ऊपर आपकी, सॉरी हाँ सिल्वर की कोटिंग हो गई कॉपर की रॉड के ऊपर। तो अब आप इस केस में ये सब नहीं बोलोगे इम्प्योर और प्योर नहीं बोलोगे, क्योंकि बिकॉज दिस प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग नहीं है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो एक दूसरे मेटल के रॉड, दूसरे मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर आप डिपोजिट करवा रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब समझ ही गए है ना, कि डिपोजिशन ऑफ वन मेटल वन अनदर टाइप ऑफ मेटल इनटू अनदर टाइप ऑफ मेटल, एक दूसरे तरीके के मेटल को दूसरे तरीके के मेटल पे चढ़ाना ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। आप एनोड उसका बनाओगे जिसका आपको प्लेटिंग करवाना है, तो किसका प्लेटिंग करवाना था हमको सिल्वर का, और कैथोड आप उसका बनाओगे जिसके ऊपर आपको प्लेटिंग करवानी है, तो कैथोड किसका बनाया हमने कॉपर का, क्योंकि कॉपर के ऊपर मुझे सिल्वर की प्लेटिंग करवानी। आप देखे होंगे ना सिल्वर का, आप देखोगे सिल्वर का होता है तो चांदी के ऊपर जो है ना चांदी की परत चढ़ा दी जाती है, तांबे के ऊपर, तांबे के बर्तन के ऊपर चांदी की परत चढ़ा के इस तरीके से बनाया जाता है ना, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाता है। और इनमें अगर वेट ऑफ एनोड रॉड अभी भी डिक्रीज ही होगा, डिक्रीज है, और वेट ऑफ कैथोड रॉड आपका अभी भी बढ़ेगा ही, अगर इसने बोला कि इसमें एक्स ग्राम का डिक्रीज हो रहा है, और इसमें बोला कि अगर इसमें एक्स ग्राम का डिक्रीज हो रहा है, और इसमें बोला वाई ग्राम का इंक्रीज हो रहा है, तो आप पूछे तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा, तो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा इस केस में, इस केस में एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई, क्योंकि जितना आपका सिल्वर यहां से निकल रहा है वो पूरा का पूरा सिल्वर जाके क्या हो रहा है कॉपर के ऊपर डिपोजिट हो रहा है, तो इस केस में एक्स बराबर वाई होगा, बिकॉज दिस प्रोसेस इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग नहीं है, क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आई होप कि समझ पा रहे हो, रिफाइनिंग का मतलब है कि एनोड कैथोड दोनों सेम मेटल का रहेगा, ठीक है, और प्लेटिंग का मतलब है आप दूसरे तरीके का कैथोड लोगे, दूसरे मेटल का एनोड लोगे, और वो जाके उसके ऊपर क्या होगा डिपोजिट हो जाएगा आपका, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है, ठीक है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कहलाता है। आप ऐसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग प्रोसेस आप चाहो तो आप एजी की जगह आप चाहो तो यहाँ पे एयू भी ले सकते थे, गोल्ड भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप गोल्ड की प्लेटिंग करवा दो, आप चाहो तो गोल्ड की प्लेटिंग करवा दो, ये एजी की जगह गोल्ड ले लेते तो गोल्ड का भी क्या होता, गोल्ड का भी फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन होता, सेकंड स्टेप में उसी का गोल्ड का रिडक्शन होता, और बाद में ये सब नो चेंज दिखाई देता और फिर डिपोजिशन होता। बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग दोनों एक दूसरे के जैसे ही प्रोसेस है, फर्क बस इतना है रिफाइनिंग में दोनों मेटल एनोड और कैथोड दोनों सेम मेटल के होते हैं, और प्लेटिंग में डिफरेंट डिफरेंट मेटल के हो जाते हैं, बस ये फर्क हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी हम लोग समझ गए हैं कि अगर एजी का एनोड कर लिया, कॉपर का कैथोड कर दिया, अब आपको अगर मैं ये क्वेश्चन के फॉर्म में दूं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4 यूजिंग एजी एनोड और कॉपर कैथोड, तो आपका आंसर क्या आएगा, अगर एजी एनोड और कॉपर कैथोड ले लोगे तो आपके लिए आंसर क्या आएगा। तो इसमें भी देखो सिंपल है बिल्कुल, ये भी बेटा है ना, ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो किस तरीके से मैं करवा रहा हूं। एनोड की बात करूं अगर मैं, तो एनोड पे क्या जाने वाले हैं बेटा, एनायंस जाने वाले हैं, कौन कौन से एनायन, यहां से सल्फेट आएगा मतलब SO4-2 और OH- आएगा, ठीक है, और एनोड खुद किसका बना है एजी का, तो इसे भी कंसीडर करना ही है, बताई दिया मैंने, अगर मेटल की रॉड बनी है तो उसे कंसीडर करना ही है, और उसी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो जाएगी, एजी सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू एजी प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कैथोड की अगर मैं बात करूं तो देखो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड के ऊपर, तो कैथोड पे बेटा केटाइन जाएगा, यहाँ का केटाइन कौन सा है Cu+2 और Cu+2 और वाटर का केटाइन H+ है, और सॉल्यूशन में खुद एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ है, इसीलिए फर्स्ट एनोड को एनालाइज करो, नहीं तो आपको Ag+ मिलता ही नहीं, तो आपने एनोड को एनालाइज अगर कर लिया है बेटा, तो कैथोड पे सॉल्यूशन के अंदर एक और आयन आ चुका है, कौन सा, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं इसका, डायग्राम आई हो कि आप समझ गए होंगे किसी तरीके से Ag निकल रहा है, ठीक है, और बस यहाँ पे Cu+2 है, आपका Ag+ की जगह पे क्या हो गया Cu+2 और यहाँ पे SO4- हो गया, सल्फेट हो गया, बाकी सब सेम चीजें हैं, ठीक है। तो अब आपका Ag, अब देखो अब ये अच्छा क्वेश्चन क्यों हो गया, मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बताया, क्योंकि अब देखो आपको यहाँ पे दोनों चापा कैटेगरी के दिखने लगे, आपको देखो Ag भी चापा कैटेगरी का है और Cu भी चापा कैटेगरी का है, तो अब इन दोनों में से किसका करवाया जाए रिडक्शन, कॉपर का की Ag का,
किसका रिडक्शन कराओगे, कॉपर का कि एजी का? तो चापा कैटेगरी जो हमारी बनाई गई थी बेटा, किस तरीके से, सीयू, एचजी, एजी, पीटी, एयू, यही था हमारे पास चापा कैटेगरी में। तो ये चापा कैटेगरी का अगर याद हो तो ये इस तरफ से जब आप जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो दिस इज इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल का ही ऑर्डर है। ये किसका ऑर्डर था, इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल या डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो आपको आपको अगर दोनों आयन मिल गए, चापा कैटेगरी के दो आयन मिल गए, इसलिए मैंने इसको भी करवा दिया, अगर दो आयन मिल जाए तो क्या करोगे, चापा कैटेगरी का सीयू प्लस टू भी है, एजी प्लस भी है, तो एजी प्लस और सीयू प्लस टू में से किसका होगा, तो ये आपका सीयू प्लस टू है और ये आपका एजी है। तो बेटा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी का होने वाला है। तो बताओ कॉपर का होगा कि एजी का ज्यादा होगा रिडक्शन पोटेंशियल, तो हमें पता ही है एजी का क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एजी नीचे आता है ना, और नीचे जाने पे क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाता है। तो सीयू प्लस और एजी में भी अभी चुनना होगा, तो मैं किसको चुनूंगा, एजी प्लस को, इसको चुना जाएगा एजी प्लस को। और रिएक्शन अगर आपसे पूछ ले तो इसी एजी प्लस का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, तो एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव एजी सॉलिड। तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो हो रहा है वो सेम यही होगा, बोलो, ये जो मैंने करवाया क्या यही सेम होगा कि नहीं होगा, रिएक्शन वाइज दोनों सेम ही दिख रहे हैं आपको, इन सब में कोई कंसेंट है, बस यहाँ Ag+ की जगह Cu+2 हो जाएगा, NO3- की जगह SO4- हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, यहाँ AgNO3 की जगह पे CuSO4 हो जाएगा, जो मैंने आपको ले लिया एक बार CuSO4, ठीक है। बाकी प्रोसेस वाइज तो यही चलेगा ना बेटा, प्रोसेस वाइज तो यही चलेगा, ये रॉड जाके इसके ऊपर डिपोजिट होगा। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए आपका क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो कि दोनों चापा कैटेगरी के भी अगर आ गए तो भी आपको किसको कराना है वो भी हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ इंपॉर्टेंट केस था, और लास्ट एक आपने कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, है ना, तो वो भी केस हमारे इसमें पूछ चुका है एक बार, तो उसे भी मैं ले लेता हूं, बस आपका पांच मिनट और इसमें जाएगा। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस आप शायद ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं ना, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं, लास्ट केस है सिक्स्थ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CH3COONa, ठीक है, सोडियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये आपने ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ा है, दिस इज कॉल्ड कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, ये हमारे लिए क्या कहलाता है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ये ऑर्गेनिक में पढ़ाया गया होगा। तो ये लास्ट केस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CH3COONa। तो अब इसमें क्या करोगे, यही बात करेंगे हम लोग, एनोड की बात करेंगे, एनोड पे क्या ऑक्सीडेशन, कौन सी चीज जानी है, एनायन, कौन सा एनायन जाएगा बताओ, CH3COO-, और दूसरा एनायन कौन सा होगा आपका बेटा, OH-, ठीक है। कैथोड की बात करोगे तो कैथोड पे कौन जाने वाला है, केटायन, कैथोड पे कौन जाने वाला है, केटायन, तो कैथोड पे यहां हम लोग भेज देते हैं, कैथोड पे रिडक्शन करवा देते हैं और भेज देते हैं किसको, केटायन को, केटायन कौन सा है यहां से, Na+ है, और वाटर का कौन सा केटायन, H+ होगा। अब रिएक्शन आपको पता है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में, बताओ किसका, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग ही क्या होता है, दिस इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, एल्केन बनाने के लिए यूज करते हैं, तो यार सी बात है OH- ना जाके कौन जाता होगा, CH3CO-, तो ये एल्केन बनाने की मेथड ही होती है। तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे, CH3CO- का, तो आप जैसे CH3CO- का आप ऑक्सीडेशन करवाते हो बेटा, तो अगर इसका मैं 2 मोल्स ले लूं तो आपको पता होगा फर्स्ट स्टेप में ये फ्री रेडिकल बनाता है ना, फर्स्ट स्टेप में क्या बनाता है, 2CH3CO- का फ्री रेडिकल, फिर फर्दर ये आपका जो फ्री रेडिकल बना है, फ्री रेडिकल ये आपका फर्दर देता है 2 मोल फ्री रेडिकल बना देगा, किसका, CH3 का, ठीक है। और यहां से आपको पता है तो CO2 गैस रिलीज हो जाती है, यहां से क्या होता है, CH2 गैस रिलीज, और फर्दर अगले स्टेप में ये जो दोनों फ्री रेडिकल है, ये दो फ्री रेडिकल जो बने आपस में कंबाइंड होके आपके लिए एल्केन C2H6 गैस बना देंगे, इस तरीके से, है ना। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस भी ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CH3COONa, ये चूंकि मैंने ये मेंशन नहीं किया है तो हमें पता है ये कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से एल्केन बनाया जाता है, तो इस तरीके से आपको C2H6 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है एक बार ऑलरेडी, कि कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस या CH3COONa का कराएंगे तो कितने गैसेस मिलते हैं, तो ये नोट के ऊपर देखो कितने गैस मिला, एक तो C2H6 मिला और दूसरा गैस कौन सा मिला बेटा, CO2। तो गैस, दो गैस तो आपको ये नोट पे मिल जाते हैं, ठीक है, दो गैस ये नोट पे। और कैथोड पे रिडक्शन किसका कराओगे, Na+ या H+, तो Na+ का तो नहीं करा सकते, किसका कराएंगे, H+,
चापा कैटेगरी का नहीं है ना Na प्लस, तो H प्लस का आप करवा दो तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव H2 गैस, तो ये आपका कैथोड प्रोडक्ट हो जाता है। तो हमसे जो ITJ में पूछा हुआ था, वो हमसे पूछा था कि तीनों का वॉल्यूम बताइए कितना वॉल्यूम होगा, और वो वॉल्यूम वाला पार्ट क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हम लोग अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे मूव करेंगे। मैंने बस यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बताया आपको, एनोड का प्रोडक्ट ये बनेंगे दो गैसेज और कैथोड पे H2 गैस बनेगा। तो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CH3CONa, एक्वस CH3CONa, आप एक्वस मेंशन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलिसिस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट मतलब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या देखा हमने, क्वालिटी, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट, कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, किसका कितना वॉल्यूम बनेगा, इसका कितना वॉल्यूम बनेगा, इसका कितना बनेगा, या कितना करंट कितने टाइम के लिए पास कराया, क्या कंसंट्रेशन, मोलरिटी, नॉन, डिफरेंट टाइप के वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कैन बी आस्क्ड। तो वो सब हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में देखेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का क्वांटिटेटिव पार्ट है, तो क्वांटिटी वहां निकालना सीखेंगे। फिर इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट, फिर हम लोग कंडक्शन में 4-5 लेक्चर जाएगा, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आप पढ़िए अच्छे से, थैंक यू सो मच।